हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल के इसके यानी कि कहानी सबकी में। मैं हूं आपका फ्रेंड, आपका दोस्त तनीष। तो चलिए फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं वीके शशिकला जी के बारे में, जो आप न्यूज़ वगैरह में देखते होंगे कि वो मुख्यमंत्री बनने वाली थी, बट उनके ऊपर केस चल रहा था और उस वजह से क्या हुआ कि उनका जितना आय है, इनकम है, उससे ज़्यादा पैसा रखने की वजह से उन्हें जेल हो गया, वो भी 6 सालों का। तो उस वजह से अब वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, हम उन्हीं के बारे में आज जानेंगे, उनके जीवन के बारे में, जन्म के बारे में, व्यक्तिगत जीवन, राजनीतिक जीवन के बारे में। तो आइए फ्रेंड्स, हम जानते हैं। तो फ्रेंड्स, शशिकला जी का जन्म हुआ था चेन्नई से 330 किलोमीटर दूर तमिलनाडु के राज्य स्थित तंजौर जिले के थिरुथुरुई पुंडी में, जो 1957 में हुआ था। इनकी माता का नाम है कृष्णा वेणी और पिता का नाम है विवेकानंद। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम इनकी वैवाहिक जीवन के बारे में थोड़ा हम जानते हैं। इनका विवाह हुआ था तमिलनाडु सरकार में PRO रहे एम नटराजन से। और फ्रेंड्स, अगर हम और भी जाने इनके बारे में, तो ये 3 दशक तक तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता की अभिन्न सहेली रही हैं। फ्रेंड्स, शुरुआत में शशिकला मुख्यमंत्री जयललिता के कार्यक्रमों में फोटोग्राफी का काम किया करती थी और वहीं से उनकी पहचान जयललिता से बढ़ती गई और बढ़ते बढ़ते वो लोग बहुत अच्छे फ्रेंड, बहुत अच्छे दोस्त बन गए। और फ्रेंड्स, दोस्त बनने से पहले वो स्टूडियो चलाती थी, शादी समारोह में जाती थी और वहाँ पर फोटोग्राफी का काम करती थी। अब चलिए फ्रेंड्स, हम थोड़ा इनकी राजनीतिक जीवन के बारे में भी जान लेते हैं। 31 दिसंबर 2016 को जयललिता के निधन के बाद शशिकला ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेर कड़गम की महासचिव निर्वाचित हुई। शशिकला तमिलनाडु में चिन्नम्मा मौसी के नाम से जानी जाती हैं। सक्रिय राजनीति में शशिकला का प्रवेश 31 दिसंबर 2016 में शुरू हुआ था। तो फ्रेंड्स, हमने बहुत कुछ जाना, बहुत थोड़ी सी जानकारी थी, लेकिन बहुत कुछ हमने जाना वीके शशिकला जी के बारे में। और अभी वो 6 साल के जेल के लिए उन्हें बोला गया है, 6 साल के जेल की सज़ा मिली है। तो फ्रेंड्स, यही थी उनकी कहानी जो मैं आपको बताया। तो आपको जानकर कैसा लगा और आपको शशिकला जी कैसी लगती हैं, क्या वो अच्छी हैं, क्या वो बुरी हैं, आपको क्या लगता है वो कमेंट करके प्लीज़ मुझे बताएं। और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों के साथ शेयर करें। एंड इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें उस लाल बटन पे क्लिक करके, उसमें कोई भी पैसा नहीं लगता है फ्रेंड्स। और क्लिक करने के बाद उसके बगल में एक बेल का आइकन आएगा, उस पर भी क्लिक कर दें ताकि हमारे वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और आप हम तक पहुँचें। तो फ्रेंड्स, चलता हूँ फिर से एक नए वीडियो के साथ, एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ मिलूँगा। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।